नेक्स्ट टॉपिक है मिलर इंडिसेस। क्या मिलर इंडिसेस? मिलर इंडिसेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं? जैसे देखो, कोई भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में आपको पता है यूनिट सेल को, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल होता है उसको रिपीट करने से हमें पूरा क्रिस्टल मिलता है, ठीक है। बट फिर भी क्रिस्टल में क्या होते हैं, प्लेन्स बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स होते हैं, उन पैरेलल प्लेन्स से मिलकर क्रिस्टल बना होता है। तो पैरेलल, एक पैरेलल प्लेन में काफ़ी यूनिट सेल होंगी, एक पैरेलल प्लेन में बहुत सारी यूनिट सेल होंगी, फिर वो दूसरी पैरेलल, उसी के पैरेलल एक और प्लेन होगा। तो इस तरीके से जो क्रिस्टल में प्लेन्स होते हैं वो प्लेन्स कितने एंगल पर हैं, कौन सी पोजीशन पर हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्रिस्टल में प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलर इंडिसेस यूज़ किए जाते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्लेन्स का पोजीशन और स्ट्रक्चर के लिए मिलर इंडिसेस यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा लिख लीजिए, मिलर इंडिसेस आर यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो या फिर ऐसा लिख सकते हैं, मिलर इंडिसेस इंडिकेट्स द पोजीशन और स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल प्लेन्स, उसको क्रिस्टल प्लेन्स की पोजीशन को, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं मिलर इंडिसेस, या फिर बोल सकते हैं यूज टू फाइंड द पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स, ठीक है, बिकॉज क्रिस्टल इज मेड अप बाई क्रिस्टल प्लेन्स। क्रिस्टल जो होता है वो क्रिस्टल प्लेन से मिलकर बना होता है, और एक ही क्रिस्टल प्लेन यूनिट सेल से, ठीक है। तो इस तरीके से मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए सेलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ओरिजन, सबसे पहले आपको ओरिजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट में फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। उस प्लेन के लिए सबसे पहले तो आप ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका प्लेन होगा उस प्लेन का इंटरसेप्ट देखना है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक्स वाई जेड, जिनके अकॉर्डिंग आपने यूनिट सेल में क्या लेते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो उसके इंटरसेप्ट देखने हैं, इंटरसेप्ट जैसे होता है आपका पी ए क्यू बी एंड आर सी, ठीक है। पी क्यू आर क्या है आपके, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो पी क्यू आर पहले इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद देन फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट्स, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट मतलब 1/p, 1/q एंड 1/r, ये इंटरसेप्ट जो थे आपके एक्स वाई जेड एक्सिस पर, उनका आपके क्या लेना है, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल जो होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, एच के एल मिलर इंडिसेस, एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं मिलर इंडिसेस को। इनके बीच में आप कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है, ना ही कॉमा लगाया जाता है, बस थोड़ा डिस्टेंस पर लिखा जाता है और ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज किया जाता है, कॉमा यूज नहीं करना है आपको एच के एल के बीच में, ठीक है। रेशियो लगा सकते हैं बट कॉमा नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये जो रेसिप्रोकल है वही क्या हो जाएगा आपका, मिलर इंडिसेस होंगे। अब इसमें एक चीज है कि आपके जो इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, यदि वो एक इंटीजर फॉर्म नहीं बनता है,
इंटीजर फॉर्म नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं, बाई मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करके किसी भी तरीके से या एलसीएम लेकर हम क्या करते हैं उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट इज नॉट अ इंटीजर देन वी कन्वर्ट convert the intercept into integer by LCM or या फिर multiplication. अभी आपको इसका एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दोनों, और इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, ये तो आपने बता ही दिया कि इनके बीच में फिर कॉमा लगाते हैं, कॉमा के बाद इसको छोटे वाले ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है. उसके बाद में यदि आपका कोई भी इंटरसेप्ट नेगेटिव में आता है, ठीक है, इंटरसेप्ट नेगेटिव में आएगा इसका मतलब पी क्या है आपका नेगेटिव में, तो 1/p भी एक नेगेटिव ही क्वांटिटी होगी. तो 1/p जब नेगेटिव आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आप एच के एल कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तीनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, उस केस में आप मिलर इंडिसेस पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बार से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस चीज को लिख लीजिए यहाँ पर, इफ एनी इंटरसेप्ट इज नेगेटिव देन corresponding Miller indices is represented by bar, यानी कि एच बार, के बार, एल बार. ठीक है, इस तरीके से उसको represent करेंगे कोई भी, जो भी intercept आपका negative होगा. अब देखते हैं इसमें वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल जितने भी केस बन सकते हैं. इस बुक में दे ही नहीं रखा क्या मिलर इंडिसेस? अच्छा, अब ऐसा कर दिया. अच्छा, ये दूसरा चैप्टर बना दिया, पहले दोनों एक ही थे ये चैप्टर. हाँ, एक पॉइंट और रह गया इसमें. प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन की ही बात कर रहे हैं. इफ प्लेन इज पैरेलल टू एनी एक्सिस, ठीक है, तो जैसे आप प्लेन तो कोई भी हो सकता है ना, जैसे किसी भी एक्सिस के वो पैरेलल भी होगा, जरूरी नहीं है कि उसको इंटरसेप्ट ही करे, दो ही आपके एक्सिस पर वो इंटरसेप्ट करेगा, तीसरे वाले के पैरेलल भी तो हो सकता है. तो यदि इफ प्लेन इज पैरेलल टू एनी एक्सिस देन करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट corresponding intercept is taken infinity. ठीक है, तो जब पैरेलल है इसका मतलब वो कहीं पर भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आप उसको क्या लेते हैं, इंफिनिटी. अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, मिटा दूं. Thank you.
देखिए एक तरीके से क्यूब बन गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्यूब क्या होता है, थ्री डायमेंशन में यूनिट सेल हो गई एक, ठीक है। थ्री डायमेंशन में यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर्स पर सिर्फ एटम्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, यूनिट सेल इन थ्री डायमेंशन। अब इसमें सबसे पहले आप ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये आपने सेलेक्ट कर लिया ओरिजिन, इसके बाद क्या होगा, नहीं ओरिजिन तो ये है, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये वाले प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस निकालने हैं आपको, जैसे ये प्लेन है। अब ये वाला प्लेन इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए क्यूब का जो सभी ए बी सी तीनों इसमें इक्वल होंगे, और ए बी सी को आप मान लेते हैं कि तीनों इक्वल है क्यूब में, और कितना है, वन है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब इसके साथ में ये किसके पैरेलल है, वाई एंड जेड दोनों के पैरेलल होगा, वाई एंड जेड दोनों के पैरेलल होगा ना, एक्स एक्सिस पर तो वन पर इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई जेड दोनों के ही पैरेलल है ये, ठीक है। तो वाई एंड जेड दोनों के पैरेलल है, तो आप क्या लेंगे इसको, इंटरसेक्ट को वन बाई पी वन, पहले तो आप ऐसे लिखो, वन बाई पी वन बाई क्यू एंड वन बाई आर, ठीक है। तो इंटरसेप्ट पी कितना हो रहा है, वन बाई वन मतलब वन ही हो जाएगा, उसके बाद क्यू मतलब बी के करस्पॉन्डिंग कितने पर पैरेलल है, इसलिए आप क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं, और फिर से आर के लिए भी इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। तो इसके लिए एच के एल, इस प्लेन के लिए मिरर इंडिसेस क्या हो जाएंगे, 100, ठीक है। अब इसी तरीके से इस वाले प्लेन की बात करें, आप ऊपर वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन इस वाई एक्सिस को कितने पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पर, तो वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस एक्स के कैसा है, पैरेलल है ना, एक्स के पैरेलल है, और इसी तरीके से जेड के भी पैरेलल है। तो इसमें क्या होगा, वन बाई पी कितना आएगा, पी मतलब एक्स के एक्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, पैरेलल है, इन्फिनिटी, वाई पर इंटरसेप्ट कर रहा है, वन, उसके बाद में जेड के भी पैरेलल है, तो वन बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, एच के एल का वैल्यू 0, 1, 0, ठीक है। अब इसी तरीके से आप और कौन सा प्लेन ले सकते हैं, अब ये वन डायमेंशन के हो गए, ये वाला हो गया, और जैसे आप नेगेटिव वाला देख लीजिए, एक इसमें मैं ये वाला प्लेन ले रही हूँ, ये वाला, अरे ये वाला दिख रहा है पीछे वाला प्लेन, ठीक है, पीछे वाला प्लेन यहाँ पर देखिए माइनस जेड डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ओरिजिन आप ये वाला मान लें, जैसे ये वाला, इस वाले के लिए आप ये भी मान सकते हैं, तो एक्स और वाई, हाँ आगे वाला ले लीजिए, ये से ये वाला ले लिया, ये कितने पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जेड एक्सिस को, वन पर, तो ये वन हो जाएगा, बाकी किसके इस पर भी तो कितने पर इंटरसेप्ट कर रहा है, वन पे कर रहा है ना, इसको जेड पे इंटरसेप्ट कर रहा है, पर आगे है, हाँ। तो इस एक्स एक्सिस की अब ओरिजिन यहां पर सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो इसके ऐसे अलग अलग बताना चाहिए था, तीनों सबके लिए डायग्राम अलग अलग। तो इस पे ये जेड एक्सिस पर आपका इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वन आ गया, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, बाहर है ना, तो एक्स एक्सिस के वन बाई इन्फिनिटी, और उसके साथ वाई के भी पैरेलल है, तो वन बाई इन्फिनिटी कितना आएगा, 0, 0, 1। तो इस तरीके से आपके ये वाला प्लेन का मिरर इंडिसेस 1, 0, 0, कॉमा नहीं लगाना, ऊपर वाला 0, 1, 0, वाई एक्सिस पर है जो इंटरसेप्ट, और ये जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, तो 0, 0, 1, समझ में आ गया, ये वाई एक्स एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा था तो 1, 0, 0, ये वाला वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो 0, 1, 0, और ये जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो 0, 0, 1। तो वन डायमेंशन के लिए समझ में आ गया। अब ऐसे ही प्लेन टू डायमेंशन में लेते हैं हम, बोलो, हाँ पीछे वाला लेते ना, तो कितना आता, 0, 0, -1 आता, ठीक है, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, -1 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो -1 मतलब कितना आता, -1 ही आता, रिवर्स करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, -1, इसको आप 1 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक
ठीक है, सेम इसी तरीके से जब यदि यहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा ना, तो आप क्या लेंगे माइनस, मतलब इसका मतलब माइनस एक्स एक्सिस पर वो कर रहा है, तो कितना आएगा माइनस वन जीरो जीरो, या फिर लिख सकते हैं वन बार जीरो जीरो, ठीक है। ऐसे ही वाई में कहाँ होता माइनस, यहाँ आता है, ठीक है, तो हो जाता जीरो वन बार जीरो, ठीक है। मैं अलग अलग डायग्राम बनाने चाहिए थे, अब इसके बाद एक चीज और है कि देखिए आपने इसके लिए मिलर इंडिसेस निकाला, कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब इसके पैरेलल क्रिस्टल में जितने भी, इसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे, इससे नेक्स्ट ही आएगा, नेक्स्ट क्यूब बनेगा, इसके बाद नेक्स्ट क्यूब बनेगा, उसमें पैरेलल प्लेन ये इस तरीके से होगा, इन सब के लिए मिलर इंडिसेस सेम होंगे, जितने भी पैरेलल होंगे। जैसे इसके लिए 100 है, इसके लिए भी 100 होगा, क्यों, फिर सेंटर आपका यहाँ आ जाएगा ना, फिर सेंटर यहाँ आ जाएगा, फिर इसके लिए भी क्या आएगा 100, ठीक है। तो एक प्लेन के लिए निकालना होता है क्रिस्टल में, उसके पैरेलल जितने भी प्लेन होंगे सबके लिए मिलर इंडिसेस सेम होगा। अब जैसे इस एक्सिस पर जितने भी इसके पैरेलल होंगे ना, सबके लिए मिलर इंडिसेस सेम होगा, क्योंकि अब इससे नेक्स्ट वाला जो क्यूब बनेगा उसके लिए सेंटर यहाँ ले लेना, ठीक है। हर यूनिट, इस वाली यूनिट सेल में सेंटर आपने यहाँ ले लिया, फिर ये वाला एक क्यूब बनेगा, उसमें एक यूनिट सेल में यहाँ पर बन जाएगा सेंटर। अब टू डायमेंशन में बना देते हैं, टू डायमेंशन में, और कुछ एंगल पर, यदि अभी तो आपने सिंपल एक एक्स एक्सिस के एक्स पर इंटरसेप्ट कर रहा है, फिर एक वाई पर इंटरसेप्ट, इस तरीके से समझ लिया। उसके बाद जैसे टू डायमेंशन में आप ऐसा ले सकते हैं, जैसे ये है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। इसके बाद और भी प्लेन बना दो, जैसे ये, अब देखिए ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट पॉइंट देख लो, अब इधर देखो एक बार, ये वाला जो प्लेन है, अब आपको दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जेड पर भी इंटरसेप्ट कर रहा है, ऐसे देखने में तो लग रहा है ना कि यहाँ भी इंटरसेप्ट हो रहा है, यहाँ भी, पर ये यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है। ध्यान से देखो, जैसे एक्स और वाई एक्सिस क्या होंगे, ये वाई है और एक्स आपका बाहर की तरफ है, दोनों पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जेड पीछे है आपका, इस तरीके से इंटरसेप्ट कर रहा है, और जेड आपका पैरेलल है इसके, ये जो आपने लिया है इसके पैरेलल है जेड, समझ में आ रहा है, थोड़ी डिस्टेंस पर है क्योंकि सेंटर से वो बाहर है बहुत, ठीक है। तो ये जो है एक्स, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है वन पर, यहाँ पर भी वन पर, और जेड के क्या है, पैरेलल है, तो जेड के पैरेलल मतलब एक्स पर इंटरसेप्ट 1/p, वाई पर इंटरसेप्ट 1/q और जेड पर इंटरसेप्ट 1/r, तो 1/p मतलब कि एक्स पर कितना इंटरसेप्ट कर रहा है 1, ठीक है, उसका रिवर्स भी 1 ही हो जाएगा, और इस पर वाई पर भी इंटरसेप्ट कर रहा है 1 पर, और r जेड के परपेंडिकुलर मतलब जेड के पैरेलल है, तो 1/∞, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/10, इस तरीके से। अब ये आपका एक के लिए आपने निकाल लिया, अब इसके पैरेलल जितने भी आपके प्लेन्स बनेंगे सबके लिए क्या होगा, 1/10, ठीक है। अब थ्री डायमेंशन में भी देख लो, एक वन डायमेंशन का देख लिया था, टू का ये हो गया, थ्री का ऐसे बना सकते हैं, जैसे तीनों पे ही इंटरसेप्ट कर रहा है, जैसे क्या किसी के पैरेलल नहीं है, तीनों पर 1/1 पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो रेसिप्रोकल, होशियार हो गए तुम तो, ठीक है। तो
तो ये वन पर इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पर भी वन और ये भी वन, तो वन वन वन। अब इसके पैरेलल जितने भी बनाएंगे ना आप, सबके लिए क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, ठीक है। वन वन वन, वन वन जीरो और वन जीरो 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 वन जीरो, उनके भी आपने देख लिए फर्स्ट ईयर में। कौन सी बुक में जो केमिस्ट्री में, तो इस तरीके से या तो आपके लिए डायग्राम बना के दे देगा और आपसे मिलर इंडिसेस पूछ लेगा कि इसके, तो वो ज्यादा इजी रहता है। और दूसरा ये है कि आपको मिलर इंडिसेस दे देगा, कि कई सारे दे देगा और उससे पूछेगा कि आप इनका डायग्राम बनाइए। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है 010, 110 और 112, तो 112 के लिए कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, मिलर इंडिसेस फॉर ऑल द, फॉर ऑल द पैरेलल प्लेन्स इन द क्रिस्टल इन सेम, ठीक है। मिलर इंडिसेस फॉर ऑल द पैरेलल प्लेन्स इन द क्रिस्टल इन सेम, सबके लिए सेम सेम रहेगा। उसके बाद में जैसे क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको 010 के लिए एंड 110 और 112 तीनों के लिए आपको वो निकालना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आपको सीधा दिख रहा है कि एक्स एंड जेड के तो हमें क्या लेना है, पैरेलल लेना है और वाई के, वाई पर इंटरसेप्ट करना चाहिए। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ पर वाई लेना चाहें, वाई जेड, एक्स वाई जेड, इस तरीके से ले लिया तो वाई पर इंटरसेप्ट करना है यहाँ पर, और इन दोनों के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो ये वाई पर तो इंटरसेप्ट कर रहा है, इसके पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, ये बन गया। अब वो कहीं भी हो सकता है इसके पैरेलल, सबके लिए क्या आएगा, सेम रहेगा, ये आपस में इंटरसेप्ट, पैरेलल, तभी तो बोल रहे हैं पैरेलल को इंटरसेप्ट करते हैं। और एक डायग्राम यहाँ पर भी सेंटर पे भी बन सकता है इस तरीके से, नहीं ये क्यों बनेगा। उसके बाद में ये वाला, ये दोनों ही 1010 के हैं, मतलब जिसके पैरेलल जितने भी होंगे उसमें तीन चार बनाए हुए हैं, सब पैरेलल पैरेलल। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की ए डिस्टेंस है, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, ये कितना हो जाएगा सेंटर से 2a डिस्टेंस पर, चेंज मतलब जैसे आप सेंटर से लेंगे तो हर बार चेंज हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस तो चेंज ही होगी, जैसे यहाँ तक की आपने a ली थी, अब यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी, क्योंकि सभी पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो है डिस्टेंस सेम सेम होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से तो 2a हो जाएगी लेकिन दोनों के बीच में तो a ही रहेगी, समझ गए ना, इस तरीके से। उसके बाद में 110, ये x, y एंड z, मतलब सिर्फ z के वो होना चाहिए, अभी अभी बनाया था ये, तो z के पैरेलल होना चाहिए बस, बनाया तो था अभी अभी ये वाला, ठीक है। तो x पर इंटरसेप्ट कर रहा है, y पर, यहाँ पर ये इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट मत बना देना आप, ठीक है, इसके पैरेलल है। तो इसके जितने भी होंगे, जैसे इसके पैरेलल, इसके पैरेलल हो गए ना ये सारे, पीछे की तरफ या आगे की तरफ कुछ भी, तो ये आगे की तरफ ही है क्योंकि हमने वन वन लिया है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। पीछे की तरफ क्या हो जाएंगी, इसके यहाँ बनाएंगे जब,
मतलब माइनस उसमें माइनस एक्स में, तो फिर वो बाहर आता। अभी ये दोनों क्या हैं, सेंटर से इधर ही हैं, पॉजिटिव। उसके बाद टाइम हो गया क्या, थर्ड वन वन टू, चलो कल ही बना देंगे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा।